बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ ऑफिसर का दिल दहला देने वाला बयान सामने आ गया है। गुज़श्ता दिनों बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से रात के वक्त घर जाते हुए एक तलबा के साथ गिरफ्तार होने वाले चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस हिरासत में बयान दिया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के मुतअद्दिद उस्तादा करप्शन और जिनसी इस्तेहसाल में शामिल हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुख्तलिफ प्रोफेसर डॉक्टर्स के नाम जाहिर कर दिए हैं। इसका कहना है कि डॉक्टर रांझा, डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर इमरान तलबात के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस हैं। साबिक चीफ ऑफिसर यूनिवर्सिटी ने एतराफ़ किया कि नशा आवर अशिया का इस्तेमाल भी किया जाता है लेकिन खुलेआम यूनिवर्सिटी में नहीं किया जाता। एजाज शाह के हवाले से ज़राए ने बताया कि इसने तस्लीम किया है कि यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी एक आम मर्ज़ है और यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में आधे से ज़ायद उसाज़ा जिनसी हरासगी और करप्शन में शामिल हैं।